आज भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचायतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का सांस्कृतिक शिष्टमंडल अभी हम लोग जंतर मंतर धरना स्थल पर स्वच्छ अभियान के तहत हम उपस्थित हुए हैं और इस पावन दिवस पर संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हम 192 राष्ट्रों का नागरिक अभिनंदन हम लोगों ने किया है और हमने भारत और नेपाल की जो वैदिककालीन संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिककालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिष्ठापित हो, भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले और अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया जाए, इस मांग को लेकर आज धरना स्थल पर हम लोग एक मांग पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्यालय है नई दिल्ली में वहाँ पे हम लोग देने जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ अभियान के तहत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उम्मीदें थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है स्वच्छ भारत का, वो हम 192 राष्ट्रों में आज हम अभियान के तहत फैला रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों की, विभिन्न क्षेत्रों की जो हमारी प्रतिभाएं हैं उन सबकी ये मांग है और स्वच्छ अभियान के तहत अभी हम जनता मंत्र धरना स्थल पर सफाई अभियान कर रहे हैं और भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए आज हमने ये अभियान शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय समरसता मंच का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में हम हैं, जो टोरिजी जिले जो इसका जन्माया ये संस्था को, तो नेपाल भारत का वैदिककालीन सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, तो दोनों देश मिल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो तमाम कार्य कर रहे हैं जो देश के हित में है, जो राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए ये संस्था कार्य करके आगे बढ़ रही है। विश्व शांति के लिए ये जो समरसता मंच है ये हमेशा कार्य करता है और हमेशा कार्य करता रहेगा। इसमें महावीर प्रसाद जी टोडी जी हैं जो इसके सहयोगक हैं, हमेशा जन सेवा के लिए व विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आज ही के दिन हुई थी 1945 में और तब से संयुक्त राष्ट्र संघ अनवरत शांति स्थापना के लिए तत्पर है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बहुत हो गई थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की तरफ से हमारे जो संयोजक हैं अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के मिस्टर टोलडी महावीर प्रसाद टोलडी, जो 44 साल से इस समरसता मंच को और विश्व शांति के उद्देश्य को लेते हुए भारत को वीटो पावर मिले स्थायी सदस्यता के साथ और ग्लोबल विलेज आदि इनको उद्देश्यों को लेते हुए आज हमने यहाँ अपना एक स्वच्छता अभियान जारी किया है इस अवसर पर और हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व में हर व्यक्ति, हर जो तबका वो अपना उत्थान करे और उसके लिए अपने ये अनवरत रहेंगे, हम ये कार्य करते रहेंगे और हम सभी जो देश के दूर दूर से आए हुए हैं उन सभी को हम ये हमसे आशा करते हैं कि वो भी इसमें कंधे से कंधा लगाकर और अपना ये जो योगदान देकर इसको आगे बढ़ाएंगे। स्थापना दिवस पर सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तत्वावधान में ये जो स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है इसमें हमारे जो संस्था है समरसता मंच के टोलडी जी हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है और ये समरसता मंच के द्वारा 192 देशों का राष्ट्रध्वज का जो नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रगति है जो इसमें आज तक ना तो किसी देश ने किया है और ना ही कर पाएगा। ये जो समरसता मंच का आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका पूरा श्रेय हमारे महावीर जी टोलडी जो इसके संस्थापक जी कहें या सब कुछ है, इन्होंने इसको काफ़ी डेवलप किया है और आज हम जंतर मंतर समाधि स्थल पर आए हुए हैं और स्वच्छता का अभियान पूरे देश चला रहा है, वैसे ही हम चलाना चाह रहे हैं। 9 दिवस में हम लोगों ने स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत यूएनओ के सामने सफाई का अभियान शुरू किया। ये सफाई अभियान की जो प्रेरणा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई और आज इसकी चर्चा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव से आती हूँ, शहर से आती हूँ, इसकी दस्तक हमारे यहाँ मैं महसूस करती हूँ क्योंकि मैं ताप्ती के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मैं मजरे टोले गांव सब जगह मैंने देखा इस स्वच्छता अभियान की दस्तक। वहाँ पर एक चर्चा होती है और सफाई होती है और इस विषय के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पर भी सफाई करेंगे।